करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। बारिश, बाढ़ और आपदा के चलते तबादलों पर रोक लगी है। 15 अगस्त के बाद ये रोक हट सकती है। बाढ़ और राहत काम में लगे कर्मचारी के चलते अब रोक लगाई गई है तबादलों में, क्योंकि सभी कर्मचारी बाढ़ और राहत के काम में लगे हुए हैं। ट्रांसफर के कारण राहत और बचाव पर असर पड़ सकता है। तो सबसे मुख्य जो अहमियत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो राहत काम को दी है, और शायद यही कारण है कि अभी फिलहाल ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी गई है। तो ट्रांसफर के कारण राहत और बचाव पर असर पड़ सकता है 15 अगस्त के बाद। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि रोक हट सकती है। बारिश, बाढ़ की आपदा के चलते तबादलों पर रोक लगी है। और अधिक जानकारी लेंगे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा, लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, तबादलों पर फिलहाल रोक लगाई गई है, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए, कब ये रोक हट सकती है और किन कारणों के चलते फिलहाल रोक लगाई है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तबादले हो रहे थे, मंत्री को अधिकार दिए गए थे कि तबादले किए जाएं। ये पहले 31 तारीख तक होना था, लेकिन उसके बाद चूंकि अधिक आवेदन होने के कारण इसको बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया था। लेकिन जिस दिन बाढ़ के हालात बने हैं उसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला किया है और उन्होंने फिलहाल मध्य प्रदेश में होने वाले तबादलों पर रोक लगा दी है। देखिए, इसके पीछे का मकसद साफ है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आई है, आपदा आई है और भयानक बाढ़ है, इस बाढ़ के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है राहत और प्रबंधन में। ऐसी स्थिति में अगर तबादले होंगे तो काम प्रभावित हो सकता है आपदा और प्रबंधन का, इसलिए तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अभी तक 7 अगस्त तक तबादले होने थे, लेकिन अब ये तबादले प्रतिबंधित होंगे। किसी प्रकार के कोई तबादले आदेश जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी बाढ़ प्रबंधन की ड्यूटी में लगे हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग विभागों को कि वो बाढ़ में के बाद के जो हालात बनेंगे उसके पर जो नियंत्रण करना और फिर उसके राहत की व्यवस्था करना, ये जिम्मेदारी होगी। इस लिहाज से फिलहाल तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध 15 अगस्त के बाद हट सकता है। जैसे जैसे हालात सामान्य बनेंगे उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि दोबारा प्रतिबंध, क्योंकि जो समय अवधि बची है अभी, इस समय अवधि के का जो समय होगा वो समय आगे दिया जा सकता है। इसलिए 15 अगस्त के बाद से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट सकता है, लेकिन फिलहाल तो तबादलों पर रोक लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया जुगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। दरअसल बारिश, बाढ़ और आपदा के चलते तबादलों पर रोक लगी है, क्योंकि ट्रांसफर के कारण राहत और बचाव कार्य पर असर पड़ सकता है।